ग्रेटर नोएडा में अखिलेश जैन के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप, दादरी थाने में अखिलेश जैन के खिलाफ केस दर्ज, विजय रथ यात्रा में भीड़ जुटाने की वजह से हुई FIR, अखिलेश जैन समेत 300 से 400 लोगों पर केस दर्ज। अमरोहा में मायावती लोगों से वोट अपील करती दिखाई दी, रैली में मुरादाबाद मंडल के सभी 21 विधानसभा के नेताओं को बुलाया गया, पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। पश्चिमी यूपी के लोगों के साथ पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, 23 विधानसभा के 1 लाख से ज्यादा लोग जन चौपाल में जुड़े, पीएम मोदी ने कहा हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने और हिस्ट्री बनाने के लिए है यूपी का चुनाव। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने सपा पर हमला बोला, कहा समाजवादी एक झूठ भी एक पल टिक नहीं सकता, वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था, इस बावजूद इसके लोगों ने वैक्सीन लगाकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाया। पीएम मोदी ने कहा ये कागजी समाजवादी शत प्रतिशत परिवारवादी हैं, इनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूपी में पहले की सरकार में विकास सिर्फ कागजों पर था, जबकि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जमीन पर काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से दाखिल किया नामांकन, कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर भरा पर्चा, गृह मंत्री अमित शाह नामांकन के दौरान रहे मौजूद। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम योगी ने लिया भगवान का आशीर्वाद, गृह मंत्री अमित शाह के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोरखपुर में पर्चा दाखिल करने के पहले सीएम योगी गोरखपुर में जनसभा को किया उन्होंने संबोधित, कहा 5 साल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने काफी काम किया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत, गृह मंत्री के साथ मंच पर धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी अमित शाह को सुनने के लिए जनसभा में दूर दूर से गोरखपुर में लोग पहुंचे थे, भाजपा समर्थकों लोगों की भीड़ उमड़ी थी, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में ये जनसभा आयोजित।